करनाल में गेहूं की फसल खेतों में पूरी तरह से पककर तैयार खड़ी है। हालांकि लॉकडाउन के चलते इस बार किसान अपनी फसल की बिक्री देरी से करेंगे, जिसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा जिले में कंबाइन चालकों को मेडिकल के बाद पास दे दिया गया है। आपको बता दें कि लॉकडाउन के चलते इस बार जो भी बाहरी राज्यों से आया है या लोकल चालक है, सबके लिए कंबाइन चलाने के लिए जिला प्रशासन से मंजूरी लेनी होगी। अभी तक 1150 चालकों को परमिशन दी गई है। गेहूं की फसल पककर तैयार है और वह कटने का इंतजार कर रही है, परंतु इस बार लॉकडाउन के कारण कंबाइन चालकों को बिना मेडिकल व परमिशन के खेत में कंबाइन चलाने पर जिला प्रशासन द्वारा पाबंदी लगाई गई है। इसके लिए किसानों को लघु सचिवालय आकर मेडिकल के बाद तहसीलदार से परमिशन पास दिया जा रहा है, जिसको लेकर जिला सचिवालय में बड़ी बड़ी लाइन लगी हुई है। करनाल में तहसीलदार पद पर तैनात राजबख्श ने बताया कि अभी तक जिले भर में 1150 कंबाइन चालक किसानों को पास दे दिया गया है और यह कार्य लगातार जारी है। किसानों का कहना है कि यह सरकार द्वारा आदेश दिए गए हैं, जिनका पालन करना जरूरी है और अब पास लेने सरल केंद्र में आए हैं, जहां से कई कई घंटों के बाद मेडिकल करवा कर पास दिए जा रहे हैं। हम जी परमिशन लेना है जी कंबाइन की जी। अच्छा। और बस दिक्कत तो कुछ नहीं, लाइन में लग रहे हैं। सुबह 6 बजे आए थे, 10-11 बज गए। क्या इस बार क्या है अलग से, क्या कहा गया? बस लगता है कि डॉक्यूमेंट देखा जी सारे और मेडिकल होएगा। अच्छा। मेडिकल होने के बाद देखते हैं परमिशन मिलती है नहीं मिलेगी। अच्छा। मेडिकल में सही आए तो फिर तो परमिशन मिल जाएगी। क्या देश है, क्या करना है? बस थोड़ा डिफरेंस बनाकर रखना, यही है हमारे। तो गेहूं काटने के लिए इस बार मेडिकल कराना अवश्य है जी। अवश्य है, मेडिकल करवाना अवश्य है। तो आप कहाँ बाहर से आए थे? मैं तो करनाल से, करनाल जिला गांव गांगर। अच्छा, कंबाइन है आपकी? हाँ जी, कंबाइन है जी। उसकी परमिशन के लिए? हाँ जी, उसकी परमिशन के लिए। क्या नाम आपका? अमन राणा जी। कंबाइन वालों को ये दिए गए आदेश कि भाई जितना भी अपना स्टाफ है उसको यहाँ पे SDM ऑफिस में ले आके उनकी डॉक्टरी कराओ, सैनिटाइजेशन कराओ, और जब फील्ड में जाएगी मशीन तो उससे पहले सभी ड्राइवरों का मशीन का सैनिटाइजेशन। ऐसा क्यों किया जा रहा है? देखो, कोरोना वायरस का इतनी ज़बरदस्त महामारी है, सारे दुनिया में तबाही मचा दी इसने, तो इससे बचाव के लिए प्रशासन बड़े कदम कर रहे हैं। तो ये लोग आए खड़े किस लिए खड़े? भाई मैं तो अभी आया हूँ अपना स्टाफ को लेकर। ये हाँ, सभी किसान लोग हैं, ये अपना कंबाइनों वाले ड्राइवर और रेपर वाले, वो यहाँ से अपना सर्टिफिकेट NOC लेने आए। क्या नाम आपका? जोगिंदर लाठर जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि ये जो कंबाइन और रेपर की परमिशन है, ये हम तहसील वाइज दे रहे हैं। तो हमारी करनाल तहसील की अब तक 400 परमिशन हो चुकी है और आज भी 80 टोकन हमने बांटे हुए हैं। और गरोंडा तहसील की 260 हैं, नीलोखेड़ी की 250 हैं, इंद्री की 240 की परमिशन इससे पहले जा चुकी है। तो कंपेन और क्या कहा जाता है, क्या प्रोसेस है उनके लिए, सब क्या है उनकी कंडीशन? पहले तो उनका मेडिकल होता है, फिर उनकी RC वगैरह चेक की जाती है और उसके बाद हम परमिशन देते हैं। जैसे आपने कल भी चेक किए कंबाइन जो जा रहे थे, यूपी जा रहे थे, हाँ उनके कागजात चेक किए हैं उनके कागज, कोई बिना कागजात के काम करता हो पाया जाता है तो उसके खिलाफ क्या कर रहे हैं? हाँ, उसके खिलाफ हम FIR कराएंगे और बंद कराएंगे। फिलहाल उनके मेडिकल वगैरह चल रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मेडिकल चल रहे हैं। सबके लिए कंपलसरी है मेडिकल? कंपलसरी है। किन लोगों के लिए कंपलसरी है, जो अदर स्टेट? नहीं नहीं, जो लोकल भी है, बेशक अदर स्टेट से भी आया, सभी का कंपलसरी है। जो जो उस कंपेन को चलाएगा, ड्राइवर है उसका, स्पोर्ट्स है उसका, कोई मिस्त्री है, सभी का मेडिकल हो। तभी वो फील्ड में जा रहे हैं। जी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.